एनटीए द्वारा आयोजित की गई नीट 2024 परीक्षा को लेकर जो कह सकते हैं कंट्रोवर्सी थी वो अब भी जारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस सब के बीच जो खबर आ रही है वो ये है कि एनएचएआई के इंस्पेक्शन बंगलो निरीक्षण गृह का यूज किया गया था लोगों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही थी कि जो जूनियर इंजीनियर थे सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, उसने अपने रिश्तेदार जो कि अभ्यर्थी भी था अनुराग यादव, उसके नाम से एक कमरा बुक कराया था जिसकी चेक इन दोपहर 12:40 की गई है। और आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एनएचएआई के अतिथि गृह से, जहां साफ तौर पर ये जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है ये वही रजिस्टर है जिसमें एंट्री और एग्जिट का, चेक इन और चेकआउट का सब लेखा जोखा रखा जाता है। और आपको सीधी बात दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर जिसमें लिखा है 4 मई की तारीख है और जो दूसरा चेक इन किया गया है एनएचआई के निरीक्षण गृह में वो एनएचआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई जदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। नीट में जो इस प्रकार का अनियमितता होती है उसमें जो साधन संपन्न वाले लोग होते हैं वो लाभ उठा लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे जिनका कोई पैरवी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, वो वंचित हो जाते हैं। इसलिए ये व्यवस्था जो हुई है नीट में इस तरह का कदाचार हो रहा है उसको हर हालत में रोकना चाहिए और जो कदाचार में लिप्त है उसको मैक्सिमम कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता आदित्य वैभव जुड़ रहे हैं सीधे पटना से। आदित्य, ये मामला जिस तरीके से उठ रहा है उसमें सबसे बड़ा सिरा पटना से ही निकल कर आ रहा है, जहां पर ये गेस्ट हाउस वाली खबर जो आपने कल दिखाई कि किस तरीके से उसके सामने मंत्री जी का नोटिंग था, तो सीधे तौर पर हम ये समझें कि जो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पिछली सरकार से इसका लेना देना है या फिर मौजूदा सरकार से हो सकता है, कुछ समझ आ रहा है? जी बिल्कुल श्वेता, जहाँ तक बात की जाए पटना की, तो पटना में सबसे बड़ा सिरा निकला है अगर नीट प्रश्न पत्र लीक मामले की बात की जाए। और सबसे बड़ी बात ये भी कि जहाँ एक तरफ पूरे देश में बवाल तब शुरू हुआ जब उसके परीक्षा के रिजल्ट्स घोषित किए, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पटना में इस बात को लेकर तफ्तीश आप कह सकती हैं कि परीक्षा लिए जाने के एक रात पहले से जारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस सब के बीच जो राष्ट्रीय राजमार्ग का अतिथि गृह है, जो निरीक्षण भवन है जिसमें अभ्यर्थियों के और अभ्यर्थी के साथ अभ्यर्थी की एक माँ के भी रहने की बात सामने खुलकर सामने आई है, जिस तरह से कबूलनामे में सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने इस बात का जिक्र किया, फिर हमने जाकर अपनी तफ्तीश की जहाँ ये बात साफ तौर पर सामने आई कि न सिर्फ वहाँ बुकिंग की गई थी बल्कि वहाँ पर रसूखदार तरीके से बुकिंग हुई थी और उसमें एक मंत्री और लेटर नंबर 440 का जिक्र साफ तौर पर उस कच्ची लिस्ट में देखने को मिला। यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या इस तरह के जो सरकारी निरीक्षण भवन होते हैं वहाँ भी कच्ची रसीद रखी जाती है? इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ें तो फिर इसमें जो बात सामने आती है श्वेता, वो साफ तौर पर यहाँ पर सियासी लोगों के जुड़े होने की बात साफ करती थी, लेकिन इसके बाद जिस तरह से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान आया और जिस तरह से उन्होंने नाम लेकर बात कही और ये भी कहा कि अब जाँच होगी, इससे ये बात तो तय हो गई श्वेता की आज तक की खबर पर मुहर लगी और साथ में कि अब बिहार सरकार अब इस बात को लेकर ज्यादा संजीदा हो चुकी है। लेकिन इस सब के बीच आज भी दो अभ्यर्थियों की क्वेश्चनिंग की गई थी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, 2 घंटे से ज्यादा लंबी चली ये सवाल जवाब की जो श्रृंखला थी और उसके बाद से दोनों अभ्यर्थियों को वापस भेज दिया गया। और इस सब के बीच जब हमने फिर से वहाँ एनएचएआई आप कह सकती हैं निरीक्षण भवन जो था राष्ट्रीय राजमार्ग का उससे जब बात करने की कोशिश की, वहाँ की अथॉरिटी से बात करने की कोशिश,
कोशिश की, तो अथॉरिटीज ने ये कह कर पल्ला झाड़ लिया कि चूंकि ये बुकिंग एक बिहार सरकार के सरकारी इंजीनियर के नाम पर की गई थी और चूंकि जो गेस्ट थे वो उनके अपने करीबी बताए जा रहे थे तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सके, इसलिए वो मंत्री जी वाली मार्किंग की गई थी। लेकिन आप आदित्य आप रहिए साथ में।